पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर 41 एनसीईआरटी का, कह रहा है इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट A, ठीक है। तो इसको आप फिल करिए, आपके पास दो रिलेशन है R1 और R2, ठीक है। तो इसका मतलब R1 भी सबसेट होगा किसका, A क्रॉस A का, और R2 भी सबसेट, क्योंकि रिलेशन का सबसेट ऑफ A क्रॉस B, बट दिस द रिलेशन ऑन सेट A, मतलब पहला सेट भी A है, दूसरा सेट भी A है, तो A क्रॉस A, रिलेशन 2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो ये आपको पहले तो फील होना चाहिए। अब एक बार बताओ, इन्होंने क्या बोला है कि इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 और R2 इक्विवेलेंस हैं, R1 और R2 दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि R1 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, इसी तरीके से R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि जो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होते हैं उनको ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से R1 R2 ये तीनों ही हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, ये कंडीशन आपको गिवन है क्या कि R1 R2 इक्विवेलेंस है, ये गिवन है, और जो चीज दी रहती है उसकी हेल्प से हम, उसकी हेल्प लेके हम कुछ प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो R1 R2 इक्विवेलेंस दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक मुझे एक बात बताओ, क्लास 11th में आप सेट्स पढ़ के आए हो, ठीक। अब देखो, R1 अगर एक सेट है, R1 सेट ही तो होगा यार, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, ठीक। R2 भी एक सेट है, और दो सेट का इंटरसेक्शन भी तो एक सेट होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन भी तो क्या होता है, एक सेट होता है। इसका मतलब ये R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, ये क्या है, एक सेट है, ठीक है, ये क्या है, एक सेट है। और हमको यही दिखाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन से सेट पे, A पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 को हमको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव भी हमको दिखाना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिविटी की। ओके, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए ध्यान से चेक करिए, हमको ये दिखाना है कि फॉर ऑल a, a बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन, और यहां पे रिलेशन क्या है, ये वाला सेट है। तो सुनो, हमको कुछ ऐसा दिखाना है, कैसा दिखाना है, पहले जो दिखाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हमको दिखाना है कि a, a बिलोंग कर जाए किसको, R1 इंटरसेक्शन R2 को, ठीक, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A। भाई सुनो, R1 इंटरसेक्शन R2 एक सेट है ना, ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A, a, a belongs to this set हो जाए, तभी तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये आपको भी दिखाना है, अभी आया नहीं है, अभी मैं काट दे रहा हूँ, ये आपको दिखाना है। तो ये आप कैसे दिखाओगे, ये आप दिखाओगे दी गई कंडीशन से, ठीक। तो दी गई कंडीशन क्या थी, सिंस R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, वाई, बिकॉज R1 R2 दोनों ही क्या थे, इक्विवेलेंट, तो रिफ्लेक्सिव होंगे। तो अगर R1 R2 दोनों रिफ्लेक्सिव है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a, a belongs to R1 for all A belongs to set A and a, a belongs to R2 for all A belongs to set A। इसको आप फील कर सकते हो कि नहीं, R1 R2 अगर रिफ्लेक्सिव थे तो R1 R2 इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो यही बात मैंने लिख दी है, ये तो गिवन चीज थी, ठीक। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर a, a R1 में भी है और a, a अगर R2 में भी है, है ना, अगर a, a R1 में भी है और a, a R2 में भी है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 जो सेट होगा उसमें भी तो a, a होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मान लो R1 में हमने आपको बोला कि 2, 2 आ रहा है, और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसका मतलब नहीं, और R2 में भी अगर आपका कहीं ऑर्डर पेयर टाइप में 2, 2 आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो 2, 2 बिलोंग करेगा किसको, R1 इंटरसेक्शन R2 को भी। तो वही बात हमने यहाँ पर आपसे करी, ठीक। तो ये जो गिवन है, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि a, a बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल स्मॉल b a बिलोंग्स टू सेट A। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया क्या कि a, a बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2, यही लेके आना था आपको, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A, बात समझ में आई। हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। बात करते हैं सिमेट्री की, कि R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब इफ a, b बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट A, तो दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा हो तो उसकी हेल्प से क्या आना चाहिए,
कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू वॉट आर वन इंटरसेक्शन आर टू फॉर ऑल ए कॉमा बी बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, तो अगर ऐसा हो और उसकी हेल्प से अगर ऐसा हो जाए तो आर वन आर टू क्या होगा, आर वन इंटरसेक्शन आर टू क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको कंडीशन बताई, अभी हम इसको काट दे रहे हैं, अभी हमको ऐसा लेके आना होगा। याद है आपको, जब आप सिमेट्रिक प्रूफ करते थे तो आप ये लेके चलते थे और ऐसा आप ले आते थे, मतलब ऐसा लेके चलते थे और इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाता था तो हम बोलते थे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम ये लेके चलेंगे और इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ गया तो हम आर वन इंटरसेक्शन आर टू को क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक। अरे आर वन इंटरसेक्शन आर टू भी तो एक सेट है ना, रिलेशन वाला ही सेट तो है वो। ठीक, तो देखो अब हम लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि इफ ए कॉमा बी, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू व्हाट आर वन इंटरसेक्शन आर टू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखो खुद दिमाग लगाओ कि ए कॉमा बी अगर आर वन को बिलोंग, आर वन इंटरसेक्शन आर टू को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन। भाई अगर ए कॉमा बी आर वन इंटरसेक्शन आर टू वाले सेट को बिलोंग कर रहा होगा तो इसका मतलब पक्का ए कॉमा बी आर वन में भी तो आता होगा, है ना। एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू। अब आप खुद समझो, हमने आपको बोला कि भाई ये एलिमेंट आर वन में आता है, एलिमेंट आर टू में आता है, तो क्या आर वन आर टू के इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट आता होगा, कौन सा एलिमेंट, ए कॉमा बी जो ऑर्डर पे अटैक का, तो आप बोलोगे बिल्कुल आता होगा। तो वही बात तो है, तो हम ये मान के चले थे कि ए कॉमा बी आर वन इंटरसेक्शन आर टू के सेट में आता था, तो इसका क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, आपको गिवन क्या था, आपको गिवन क्या था कि आर वन और आर टू क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इट इज गिवन अरे आर वन आर टू इक्विवेलेंस है ना, तो सिमेट्रिक तो होंगे ही पक्का। इट इज गिवन दैट आर वन एंड आर टू आर सिमेट्रिक, आर वन एंड आर टू आर सिमेट्रिक। अभी बात बताओ, आर वन और आर टू अगर दोनों सिमेट्रिक हैं तो इसका क्या मतलब है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स अगर रिलेशन को आर वन को कर रहा होगा तो इसका उल्टा भी, यानी कि बी कॉमा ए भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, रिलेशन को। एंड ऊपर वाले स्टेटमेंट से हम ले रहे जानकारी, ठीक है, आर टू का सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए कॉमा बी अगर आर टू को बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करता होगा किसको, रिलेशन को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। बस समझ में आई। अब एक बार बताओ, बी कॉमा ए अगर रिलेशन आर वन को बिलोंग करता है और बी कॉमा ए भी रिलेशन आर टू को बिलोंग करता है, तो ये बी कॉमा ए क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता होगा, तो बी कॉमा ए, दिस इंप्लाइज व्हाट, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। सुनो, क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे और यहाँ पहुँच गए, चेक कर लो, ए कॉमा बी मान के चले थे कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू को बिलोंग करता है और इसकी हेल्प से करते करते कहाँ पहुँच गए आप, बी कॉमा ए बिलोंग करता है किसको, आर वन आर टू के इंटरसेक्शन को, हेंस आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, क्योंकि सेट कौन से सेट पर बात करी जा रही है, ए पे, ए भी लिखना है, ऑन सेट ए। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सिमेट्रिक भी दिखा दिया। कर लीजिए ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू ट्रांसिटिव है कि नहीं है, हम क्या करते थे, ट्रांसिटिविटी के लिए आपको याद होगा हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलते थे एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हम लेके चलते थे और इसकी हेल्प से अगर हम यहाँ पहुँच जाएँ, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये ट्रांसिटिव होता था। मतलब समझिएगा, मैं यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप समझिएगा जरा। मान लीजिए कि हम लेके चले क्या, हम लेके चले यहाँ पर कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, ये लेके चले एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। ठीक, क्योंकि अब हमारा जो रिलेशन है वो आप कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो, आर वन इंटरसेक्शन आर टू की बात कर रहे हो, इसलिए इस आर की जगह क्या आएगा, आर वन इंटरसेक्शन आर टू आएगा। ठीक, तो अगर हम ये लेके चलें कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ए। ये एलिमेंट्स आपने कहाँ से चूज किए, सेट ए से, क्योंकि रिलेशन किस पे, सेट ए पे। ठीक, तो इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए, क्या आ जाए, दिस इंप्लाइज कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू आ जाए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो बच्चों अगर ऐसा लेके चलो और यहाँ अगर तुम पहुँच जाओ,
ठीक है, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, और बीच में हेल्प किसकी लेंगे, बीच में हेल्प लेंगे R1 R2 क्या है, ट्रांजिटिव है, ये दिया हुआ क्योंकि R1 R2 रिफ्लेक्सिव थे। ठीक, तो अभी तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया था कि करना क्या है। ठीक, तो हम भी मान के चलते हैं क्या कि इफ इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू एंड बी कॉमा सी belongs to R1 intersection R2 for all A कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये हम मान के चले। ठीक है ना, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट जरा कि A कॉमा बी अगर R1 intersection R2 को belong करते होंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि A कॉमा बी R1 को belong करता होगा एंड A कॉमा बी R2 को भी belong करता होगा। सही बात है कि नहीं, है ना, अगर ये इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करते हैं ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी आर वन आर टू दोनों को बिलोंग करता होगा। एंड 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 यहाँ पे आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ये दूसरी कंडीशन है, मतलब ये स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी आपको समझाने के लिए। अब देखो बी कॉमा सी बिलोंग करता है किसको, बी कॉमा सी बिलोंग करता है किसको, आर वन इंटरसेक्शन आर टू को, तो बी कॉमा सी बिलोंग करता होगा आर वन को एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता होगा किसको, आर टू को भी। सही है, फॉर ऑल आगे ये भी लिखना आपको, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट। अब देखिए, अब देखिएगा स्टूडेंट मेरी बात, बट अच्छा एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या इस पूरे स्टेटमेंट से हम एक नॉलेज नहीं निकाल सकते हैं, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन एंड अरे सब कुछ एंड ही तो लिखा हुआ है यहाँ कि ऐसा होता है एंड ऐसा भी होता है एंड ऐसा भी होता है एंड ऐसा भी होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन एंड पहले हम आर वन की बात कर लेते हैं एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन, इन दोनों को हमने साथ साथ लिख लिया। ठीक, एंड ध्यान दीजिएगा, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू और उसके साथ हम इसको ले लेंगे, यानी कि एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर टू और आगे आप लिख लीजिएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब ध्यान दें, यहाँ पर जब आप पहुँचे हो कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन, तो ध्यान दीजिएगा, इट इज गिवन दैट आर वन एंड आर टू आर ट्रांजिटिव। ये तो गिवन है ना कि आर वन और आर टू क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि आर वन और आर टू क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, तो दिस इंप्लाइज, अब ध्यान से सुनो, अगर आर वन आर टू ट्रांजिटिव है, पहले आर वन की बात करते हैं, तो अगर R1 क्या है, ट्रांजिटिव, तो A, B अगर R1 को बिलोंग करता होगा एंड B, C अगर R1 को बिलोंग करता होगा, तो पक्का A, C R1 को बिलोंग करता होगा भैया, क्योंकि R1 क्या है, ट्रांजिटिव है, तो R1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे कि A, C श्योरली बिलोंग्स टू व्हाट, श्योरली बिलोंग्स टू R1। ठीक, ये हो गया। अब यहां से देखिए एंड अब देखो ए कॉमा बी आर टू को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी आर टू को बिलोंग करता है, लेकिन आर टू क्या है, आर टू ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब पक्का ए कॉमा सी आर टू को बिलोंग करता होगा। तो यही बात हमने यहाँ लिखी, एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट, आर टू। अब मेरे भैया एक बात बताओ क्या, कि अगर ए कॉमा सी आर वन को बिलोंग करता है और ए कॉमा सी आर टू को भी बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि ए कॉमा सी इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी तो बिलोंग करता होगा, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट, आर वन इंटरसेक्शन R2 for all A, C, आप A, B, C भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ B नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, आप होते हुए तो B से तो आए थे, तो आप फाइनली लिख सकते हो फॉर ऑल A, B, C belongs to what? Set A। तो अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आप लेके क्या चले थे कि A, B belongs to R1 intersection R2 and B, C belongs to R1 intersection R2, यही बात मैंने बोली थी, और पहुँच कहाँ गए, A, C belongs to R1 intersection R2, hence what? Hence this R1 intersection R2 is ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे कि इट इज सीन दैट आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज रिफ्लेक्सिव इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हेंस आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए।